देश के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री से ऊपर जा चुका है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, तो हमारे लिए सीरियस कंसर्न है। ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैफीन मतलब चाय और कॉफी की लत होती है, चाय कॉफी की मात्रा बहुत अधिक लेते हैं पूरे दिन में, उनके लिए क्या नुकसानदायक हो सकता है इस तरह का मौसम, इसके बारे में बात करूंगा। मैं हूं डॉक्टर डीके गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आजकल के समय में जब इस समय हीट वेव चल रही है, हीट स्ट्रोक की संभावना कई गुना बढ़ गई है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी डाइट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं चाय की या कॉफी की, जिसमें कैफीन होता है, और कैफीन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं डायरोसिस, मतलब ये डायरोटिक होता है। मीन्स ये कि जब भी आप चाय कॉफी पियेंगे तो ये किडनी पे रिएक्ट करेगा और यूरिन की मात्रा बढ़ा देगा, मतलब बॉडी से फ्लूइड निकालना शुरू कर देगा और उसकी अमाउंट बढ़ सकती है अगर आप बार बार चाय या कॉफी पी रहे हैं। तो डायरेटिक्स मतलब कि ऐसे पदार्थ जो यूरिन की मात्रा बढ़ा देते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन की संभावना पैदा करते हैं, इसको हम डायरेटिक्स बोलते हैं। नॉर्मली हम उनको जब देते हैं, जब यूटिलाइज करते हैं, जब किसी व्यक्ति में फ्लूइड का ओवरलोड हो रखा हो। अभी क्या है, अभी इसका उल्टा, इस समय स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, परसिपरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉडी का बीएमआर बहुत हाई है, जिसकी वजह से रिलेटिव बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं पानी की मात्रा खूब पीनी चाहिए, बहुत सारे फ्लूड्स लेने चाहिए, तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, नींबू पानी है, शिकंजी है, छाछ है, लस्सी है, जूस है, इसका सेवन करना चाहिए। अगर आप इसके अतिरिक्त अगर इस सेवन नहीं करते, उसके विपरीत आप चाय कॉफी ज्यादा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फ्लूड को निकाल रहे हैं। इसकी वजह से यूरिन तो जा ही रहा है, फ्लूड तो जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की संभावना भी बढ़ जाती है, बिकॉज यूरिन में सोडियम पोटेशियम भी बहुत बार बाहर निकलता है, उसकी वजह से आपका सोडियम पोटेशियम भी कम हो सकता है। उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कभी कभी स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आप हीट वेव का शिकार हो रहे हैं और साथ में आप डायरेटिक ज्यादा ले रहे हैं, या आप बाहर धूप में घूम रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, वहां चाय कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, या आप ऐसी जगह है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई है और आप चाय कॉफी ज्यादा पी रहे हैं, तो ऐसे केस में ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं कि आपको बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, थकावट हो सकती है, डिजीनेस हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, घबराहट हो सकती है, एंजाइटी, पैल्पिटेशन, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, या कभी कभी डिसोरियंटेशन, जो सीरियस फॉर्म ऑफ हीट स्ट्रोक है, डिसोरियंटेशन होना, या कॉमाटोज होना, सीजर्स पड़ना, और कभी कभी दौरे पड़ना या डेथ हो जाना, ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं हीट स्ट्रोक के। और ये इसको ब्रेन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, जो अगर ब्रेन के अंदर बुखार चढ़ गया है उसकी वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं, और या बहुत सीरियस डिहाइड्रेशन हो गया उसकी वजह से आ सकते हैं। और दूसरा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसका, कि अगर आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी रहे हैं तो आपकी जो फ्लूड बाहर निकल रहा है उसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, मतलब ब्लड का जो लिक्विड फॉर्म है वो थोड़ा डेंस हो जाता है, उसकी वजह से बॉडी में थक्का जमने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, मतलब संभावना बढ़ जाती है, उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, किडनी स्ट्रोक मतलब किडनी फेलियर की या एक्यूट किडनी इंजरी की संभावना बढ़ जाती है। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये आते हैं समय में थोड़ा कम करनी चाहिए, चाय कॉफी का सेवन कम करना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाएं तो हीट वेव से बचे रहें, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तरल पदार्थों का सेवन बहुत सारा करना चाहिए, चाय कॉफी कैफीन से बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ और ऐसी दवाइयां भी हैं जो डायरेटिक इफेक्ट रखती हैं, जिसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जिसकी वजह से भी आपको यूरिन ज्यादा हो सकता है और जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे लोग जो सीओपीडी के हैं, अस्थमा के हैं, या किडनी के पेशेंट्स हैं, इन लोगों को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, अपनी दवाइयों की मात्रा को एडजस्ट करना चाहिए, टाइटरेट करना चाहिए, या हो सकता है उनको कुछ और नई प्रिकॉशंस लेनी पड़े, उसके लिए अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क में रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।